भारत कृषि प्रधान देश है और देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि हम कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो तमाम युवा हैं वो भी इसमें रुझान दिखाए और तमाम युवा ये जानने की कोशिश करें कि किस तरह से आगे जो है भविष्य जो है होने वाला है। मिस्टर तजिंदर जी हैं लगातार जो नई यहाँ पर टेक्निक्स जो तकनीक आती है खेती बाड़ी की उनको लेकर जन जन तक पहुँचते हैं, युवाओं तक पहुँचते हैं। अब एक नई टेक्निक का आगाज जो है यहाँ पर किया गया है, वो क्या टेक्निक है और कैसे आने वाले समय में युवा पीढ़ी को उसका फ़ायदा होने वाला है? सर, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको आपको लगता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाली, जो पहले कहीं और थी और अब जम्मू कश्मीर में? देखिए, एक तो हमारी सरकार ने, माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी ने एक नई यहाँ पे स्कीम लॉन्च की है, हॉस्टेलिक एग्रीकल्चर पॉलिसी HADP, जो हमारे 29 प्रोजेक्ट इसमें रखे गए हैं। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में डेयरी है, मशरूम है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, इन सब चीज़ों को लेकर 29 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। उसका मकसद ये है उन प्रोजेक्ट्स का कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह यहाँ पे ग्रोथ में लाया जाए, उन सब चीज़ों को यहाँ पे कवर करने की बात यहाँ पे की गई है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये बात जन जन तक पहुँचे। वैसे तो सरकार हर एक गांव में, हर एक पंचायत में अभियान चला रही है, सशक्तता अभियान चल रहा है कि भाई लोग इसमें आएँ, अवेयर हों और उसका बेनिफिट लें। और पर्टिकुलरली इसमें ये बात की गई है कि भाई 5 साल में 1800 इंटरप्राइज डेवलप करने हैं, 2 लाख एम्प्लॉयमेंट टारगेट सेट किया हुआ है, 2 लाख लोगों को रोज़गार देना है और 5000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में करनी है। इसका जो अनुदान राशि है वो 50% से लेकर 90% तक भी है। मैं आपके माध्यम से लोगों से चाहूँगा, पर्टिकुलरली जो मेरे लोग गाँव के इलाकों में रहते हैं, कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ जुड़ने के लिए अपने जो कृषि अधिकारी है, जो हमारा पंचायत लेवल पे एग्रीकल्चर अफसर है या SDO है, सब डिवीज़न एग्रीकल्चर अफसर है, उससे वो कंटेक्ट करें, वो उसके लिए नोडल ऑफिसर हैं और सारा प्रोसेस मैडम जी ऑनलाइन कर दिया गया है। क्या लोन का प्रोसेस है इसमें कि लोग जो है जिनके पास अभी पैसा नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि वो काम करना चाहते हैं और आगे भविष्य बनाना चाहते हैं? देखिए, लोन का तो पहले ही हमारा KCC की कंपेन यहाँ पर चली हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये ना पहले ही होता था कि हमारे यहाँ पे सिफारिशें आ जाती थी। सपोज़ मैंने गांव में कोई ट्रैक्टर लेना है या मैंने कोई कंबाइन लेनी है, सिफारिशें आती थी, फाइलें ऊपर नीचे हो जाती थी। उस नेपोटिज्म को ख़त्म करने के लिए अब सरकार ने ये सारा का सारा ऑनलाइन कर दिया गया, सारा का सारा ऑनलाइन कर दिया गया। जो एग्रीकल्चर के अफसर हैं वो अपने मोबाइल से ही एप्लीकेशन अपलोड करेंगे, उसका अप्रूवल 3 दिन में आ जाएगा, उसके बाद जैसे ही फंड्स आएंगे तो वो सारा का सारा प्रोसेस इसमें होता जाएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं, किसकी ड्यूटीज़ हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और कुछ अगर चीज़ें उसमें आपको लगता है कि कोई फार्मर को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये पूरी नहीं हो रही, उसको भी पूरा करने के लिए सरकार ने पैरामीटर फिक्स कर दिए हैं कि भाई किस तरह से वो पूरा होगा और अपना हमारा आगे काम चलेगा। यानी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है और कितने लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा? देखिए, इसमें ना टारगेट तो फिक्स किए हुए हैं, इन्होंने टारगेट फिक्स किए हैं कि भाई हमने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, ऑनलाइन करनी है। और सबसे ज़रूरी, हर एक गाँव में जिस तरह खिदमत सेंटर होते थे, इस तरह किसान खिदमत सेंटर खोलेंगे हर एक पंचायत लेवल पे। अभी हम भी इस पॉलिसी में 2-3 बार मीटिंगों में गए हैं, जो पॉइंट्स हमारे थे हमने भी रखे हैं कि भाई अवेयरनेस का लैक है, गांव में पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो ये लगता है इस समय जो युवा पीढ़ी है वो आकर्षित हो रही है खेती बाड़ी की तरफ, कृषि की तरफ? देखिए, पहले ना हमारे यहाँ पे एक कल्चर था कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागते थे। देखिए, जिस तरह आप भी मैं देख रहा हूँ जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, चैलेंजिंग तो होता है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आना चैलेंजिंग होता है, इंटरप्राइज डेवलप करना कोई इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर सरकार कोई सपोर्ट कर रही है तो हमें उसको लेने में क्या उज़र है? अगर सरकार की मदद करना चाहती है आपकी, तो आप अपना फॉर्म फिल करें, ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग का भी प्रोविजन उसमें है। और हर एक सेक्टर में मिन्यूटली देखा गया है, कुछ चीज़ें रह गई हैं। देखिए, कभी हर चीज़ पूरी नहीं हो सकती कि परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार को भी ये कहना चाहेंगे कि HADP पॉलिसी में जो चीज़ें रह गई हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सरकार अपना काम करे। देखिए, साफ तौर पर ये एक ऐसी पॉलिसी है जिससे आने वाले समय में युवाओं को रोज़गार मिल सकता है और कृषि के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको घर अपना छोड़कर नहीं जाना है, आप अपने इलाके में ही, अपने खेत में ही वहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं और वहाँ से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आप खुद ही किसी को नौकरी दे सकते हैं, बल्कि किसी के आगे नौकरी करने के बजाय। तो आप यूँ ही हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू सुहान के।